नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मातृभूमि सेवा संगठन के संरक्षक संजीव सक्सेना और प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में आज शाम 6:30 बजे माता मंदिर चौराहे पर आयोजित कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में स्वयंसेवी कार्यकर्ता, युवा, छात्र छात्रा और महिलाओं ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य कोलकाता में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटित बर्बरता के खिलाफ शोक और आक्रोश व्यक्त करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इंजीनियर संजीव सक्सेना ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि हम इस भयानक घटना की कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि समाज में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगे। हमने देखा है कि कोविड के समय किस तरह डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की जान बचाई। डॉक्टर्स का सम्मान होना चाहिए। आंकड़े गवाह हैं कि लगभग 75% बलात्कार शराब के नशे में हुए हैं। परिजनों का इलाज कराने जाएंगे, डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे, साथ ही सुनिश्चित करें कि आसपास के डॉक्टर्स का सम्मान करते रहें। और मार्च के दौरान सभी के हाथों में नारों से भरी तख्तियां थी जिन पर लिखा था, डॉक्टर धरती पे भगवान का रूप है, डॉक्टर के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, नशे को कहें ना, नारी का सम्मान करें। ये जो है कोलकाता में जो हमारी बहन ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बहुत ही भीभत्स घटना हुई है, उनको हमने, जो हमारे बीच नहीं है बहन, उनको हम अभया नाम से जानते हैं, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर्स के समर्थन में हम ये मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये कैंडल मार्च किया है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका घोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से प्रति घंटे, हर घंटे में 4 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देश इससे न केवल देश का सर विश्व में झुकता है और बल्कि जो है देश के अंदर भी ये ग्लानी भाव से जो है बहुत ही नहीं, ये उसके लिए हम उनके लिए न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। साथ ही नशे को बंद करना चाहिए, नशे पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि नशे करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर राक्षस प्रवेश कर जाता है। 75% जो घटनाएं हो रही है वो उन व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो सूखे नशे में या शराब के नशे में थे। उनको ये नहीं समझ में आता कि सामने जो खड़ी है वो किसी की बहन, बेटी या माँ हो सकती है। उनके सारे मर्यादा और पर्दे हट जाते हैं। नशे के खिलाफ हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं और ये महिलाओं के और लड़कियों के जिस तरीके से असुरक्षा की भावना फैल रही है, ये गलत है। आज देश, ये वो देश है जहां पर रानियों ने राज किया, जहां पर बेटों को माता के नाम से जाना जाता था। ऐसे में यदि किसी पढ़ने जा रही बच्ची के, किसी स्टूडेंट के मन में, महिला के मन में यदि ये असुरक्षा आ जाएगी कि वो सुरक्षित है या नहीं, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बिना महिलाओं की सहभागिता से ये देश नहीं बढ़ सकता। हम घोर विरोध करते हैं ऐसी घटनाओं का। उस हमारी बहन अभया को हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, डॉक्टर्स का समर्थन करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि जहां जहां आपके कभी किसी परिचित या परिवारजन या मित्र यार अगर अस्पताल में भर्ती हैं, तो डॉक्टरों से संवेदनशीलता से पेश आए, क्योंकि यही वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में, कोविड कोरोना में, हमारे परिवार को, हमको अपनी जान का जोखिम उठाकर भी साथ दिया था। हम लोग ईश्वर को इक्वलेंट टू डॉक्टर्स को इक्वलेंट टू गॉड मानते हैं और महिलाओं के साथ किसी भी वर्ग की ये अत्याचार, ये दरिंदगी, ये घोर आपत्तिजनक है, इसका हम विरोध करते हैं। उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, न्याय तुरंत होना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है, कितनी बड़ी साजिश है, वो सामने आना चाहिए। ये तो कैमरे की बात नहीं, तो पूरी सुरक्षा की बात है। हमको हर घर में अपने जितने जो युवा साथी हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो देश है जहां पर जिस पांव पे आप, जिस भूमि पे पांव रख रहे हो, उससे क्षमा मांगते हुए आप जागते हो, उसको माँ बोलते हो, ये वो देश है जिसका कणकण माँ है। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो सिर्फ भारत माता की जय नहीं होती है, हर उस नागरिक की, हर उस बहन की, भाई की जय होती है जो भारत देश को धारण किए हुए, जो भारत देश में रहता है। ऐसे में किसी भी महिला के साथ ये दरिंदगी होना, अत्याचार होना, ये घोर आपत्तिजनक है। उन सम्मानजनक तरीके से उनको रहने का एक भाव होना चाहिए इस देश में।
हर जगह ये घटनाएं बढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, बाहर भी हैं। ये बेसिकली जो मूलतः है, जो आपकी मानवता तार तार हो रही है, इंसान मानवता को जगाना होगा और समझना होगा कि जिस धरती पे आप चल रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ, उसे माँ कहते हो, माँ से ही पैदा होते हो। आपको पता समझना पड़ेगा कि अगर आप स्त्री तत्व की अगर आप पूजा नहीं करोगे, आपने इतिहास में भी देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, उन्हें भी विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति तत्व का, स्त्री तत्व का पूजन किया। स्त्री तत्व का यदि आप पूजन नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो देश गर्त में चला जाएगा और नशे को बंद करना होगा।